नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं रिलायंस जियो कंपनी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि फाइनली रिलायंस जियो कंपनी की तरफ से 7 जनवरी 2023 को मेनली तमिलनाडु के ऊपर एक इवेंट के ऊपर मुकेश अंबानी जी की तरफ से एक काफ़ी बड़ा घोषणा किया गया था। जब रिलायंस जियो 2022 के अक्टूबर साल से अपनी 5G सर्विस का शुरुआत किया था भारत के अंदर, मेनली दिल्ली के प्रगति मैदान से रिलायंस जियो कंपनी अपने जियो 5G का ऐलान यहाँ पर किया था, तब के टाइम के अंदर उनकी तरफ से घोषणा किया गया था कि भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, हर एक ब्लॉक के ऊपर रिलायंस जियो कंपनी अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च करेंगे, और उसका डेडलाइन दिया गया था 2023 के दिसंबर तक। और अभी के टाइम के अंदर 2024 साल चल रहा है, यानी 2023 के दिसंबर जो वो ऑलरेडी चला गया है। तो रिलायंस जियो ने कितना कुछ अचीव किया है, तो मुकेश अंबानी जी की तरफ से इसका पूरा क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया गया, और जियो कंपनी की तरफ से ये कहना है कि वो जो प्रॉमिस यहाँ पर भारत के लोगों को किया था वो प्रॉमिस उन्होंने रखा है, और रिलायंस जियो कंपनी फाइनली भारत के हर एक टाउन्स, हर एक ब्लॉक्स के ऊपर अपने 5G सर्विसेज को अवेलेबल करवा दिया है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रिलायंस जियो के ऑफिशियल वेबसाइट की अगर माने तो रिलायंस जियो कंपनी की तरफ से अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 7,764 सिटीज के ऊपर अपने 5G सर्विसेज का जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर बताया गया है। और पिछले काफ़ी महीनों से, ऑलमोस्ट डेढ़ महीना हो गया है, जहाँ पर रिलायंस जियो कंपनी ये पर्टिकुलर नंबर के ऊपर किसी भी तरीके का इंक्रीमेंट देखने के लिए नहीं मिला। पहले हमें लग रहा था, पहले काफ़ी जल्दी जल्दी ऑलमोस्ट 2-3 दिन के अंदर ही जो सिटी का अमाउंट है वो यहाँ पर बढ़ रहा था, लेकिन पिछले ऑलमोस्ट डेढ़ महीनों से किसी भी तरीके का इजाफा हमें देखने के लिए नहीं मिला ये जो पर्टिकुलर नंबर के ऊपर। लेकिन रिलायंस जो कंपनी का जो 5G अवेलेबिलिटी है वो गांव-गांव तक पहुंच चुका है। मैं खुद गांव के अंदर रहता हूं, लेकिन यहां पर भी जियो 5G जो है वो अवेलेबल हो चुका है, तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट है अगर मैं पर्टिकुलरली रिलायंस जो कंपनी की बात करता हूं। दोस्तों, मुकेश अंबानी जी यहां पर तमिलनाडु के ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 के अंदर प्रेजेंट थे, और उनकी तरफ से कुछ चीज यहां पर बताया गया। जैसे उनकी तरफ से यहां पर बताया गया, जियो कंप्लीटेड द फास्टेस्ट रोल आउट ऑफ 5G एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के अंदर जितने भी देश है जहां पर 5G रोल आउट हो रहा है अभी के टाइम के अंदर, रिलायंस जो सबसे तेजी से स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर के ऊपर अपने 5G सर्विसेज को पूरे भारत के अंदर लॉन्च कर दिया है। जो दुनिया के अंदर कोई भी कंपनी इतने तेजी से इतने बड़े जगह के अंदर अपने 5G रोल आउट को नहीं किया है, और ये जियो कंपनी की तरफ से काफी बड़ा अचीवमेंट है। उन्होंने 7 जनवरी 2024 को यह बात बताया, और उनकी तरफ से यहां पर बताया गया कि रिलायंस जो कंपनी की तरफ से हर एक टाउन्स के ऊपर, हर एक पंचायत के ऊपर मेनली अपने 5G सर्विसेज को अवेलेबल करवा दिया है। अगर मैं पूरे भारत की बात करता हूं, जियो कंपनी यहां पर जो अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करा है वो स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर के ऊपर कर रहा है, जो आपको समझना होगा। नॉन स्टैंड अलोन अगर होता तो 5G रोल आउट करना काफी इजी था, कंपेरेटिवली इजी था, वो भी तो इजी नहीं था, कंपेरेटिवली इजी था, लेकिन रिलायंस जो कंपनी स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर के ऊपर गया और काफी जबरदस्त तरीके से अपने 5G रोल आउट को यहां पर कर रहा है, जहां पर कोर नेटवर्क जो यूज हो रहा है वो 5G नेटवर्क यहां पर यूज हो रहा है। रिलायंस जो कंपनी की तरफ से यहां पर बताया गया कि 35,000 BTS नए टावर्स को यहां पर जियो कंपनी की तरफ से बैठाया गया है। जी हाँ दोस्तों, 35,000 कम बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर मैं पर्टिकुलरली तमिलनाडु की बात करता हूँ तो जियो 5G का यूजर्स जो वो 35 मिलियन क्रॉस हो चुका है, यानी 3.5 करोड़ लोग जो वो रिलायंस जो कंपनी का जो 5G सर्विस है वो यहाँ पर यूज कर रहा है, अगर मैं तमिलनाडु सर्कल की बात करता हूँ। उसी के साथ ये बिजनेस समिट के अंदर मुकेश अंबानी जी की तरफ से बताया गया कि मेनली तमिलनाडु सर्कल के अंदर जो कनेक्टिविटी है उसे और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए जियो कंपनी की तरफ से 35,000 करोड़ रुपये और इन्वेस्ट किया जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी रिलायंस जो कंपनी ने अभी तक 30,000 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और ज़्यादा और 35,000 करोड़ रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर मुकेश अंबानी जी की तरफ से किया जाएगा, मेनली तमिलनाडु सर्कल का जो कनेक्टिविटी है उसे और ज़्यादा बेहतरीन करने के लिए। दोस्तों, रिलायंस जो कंपनी के जो चेयरमैन है, इससे पहले कोलकाता के अंदर जो मीटिंग हुआ था वेस्ट बंगाल के ऊपर, तो उस मीटिंग के अंदर ही बताया गया था 45,000 करोड़ रुपये वेस्ट बंगाल के ऊपर यहाँ पर इन्फ्यूज किया जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु के ऊपर 35,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर किया जाएगा रिलायंस जो कंपनी की तरफ से। मतलब जियो का विजन जो है वो बिल्कुल क्लियर है, आने वाले टाइम जो वो टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होने वाला है, और भारत को और ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए, और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए, और टेक्नोलॉजी के जो एडाप्टेशन है उसे बढ़ाने के लिए जियो कंपनी की तरफ से काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जो वो भारत के हर एक स्टेट के ऊपर किया जा रहा है, इंडिविजुअल हर एक स्टेट के ऊपर यहाँ पर किया जा रहा है। ये जियो कंपनी की तरफ से काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। दोस्तों, अगर आप खुद एक जियो के ग्राहक है तो आपके एरिया के अंदर क्या जियो 5G आ चुका है, आप कौन से एरिया के अंदर रहते हैं, और जियो 5G का स्पीड आपको वहाँ पर कैसा है, आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हैं। यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था छोटा सा वीडियो
वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उससे मिलकर तो ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।